नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अब जब बैंक जाते हैं तो आपको बैंक कर्मचारी लंच के नाम पर टाइम पास करने की बात करते हैं। कई बार आपको बोला जाता है कि अभी लंच चल रहा है, बाद में आना है। कई बार बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो अपनी सीट पर नहीं आते और आपका कीमती समय बर्बाद होता है। आपको ऐसी परेशानी होती है तो आप भी बैंक से अब ऐसी शिकायत करना चाहते हैं तो इसका इलाज आपको अब मिलने वाला है। ऐसे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आसानी से आप बैंक के खिलाफ ही शिकायत कर सकते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,866 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,39,05,621 हो गई है। देश में 168 दिन बाद दैनिक संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 41 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,074 हो गई है। यूलिया वंतूर अक्सर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान संग रिलेशनशिप की खबरों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। खबरों की माने तो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि यूलिया कई बार सलमान को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त बता चुकी हैं। यूलिया वंतूर ने 24 जुलाई को अपना 42वां बर्थडे काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। यूलिया के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनकी बर्थडे पार्टी में सलमान खान, आयुष शर्मा, सोहेल खान समेत कई सेलिब्रिटी पहुंचे। देश दुनिया के इतिहास में 26 जुलाई तमाम अहम घटनाओं के रूप में दर्ज है। ये तारीख इतिहास के पन्नों में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर जीत प्राप्त की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने पर आज बधाई दी और उम्मीद जताई है कि उनका कार्यकाल भारत के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। शिवसेना ने दोनों गुटों यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को लेकर चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। उद्धव गुट की दलील है कि चूंकि महाराष्ट्र की बागी विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नहीं किया गया, इसलिए चुनाव आयोग को इस पहलू में अभी नहीं जाना चाहिए कि असली शिवसेना कौन है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वेस्ट इंडीज के वर्तमान दौरे में शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन वो अपने अर्धशतकों को शतक में नहीं बदल पाने से निराश। अय्यर ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 71 गेंदों में 63 रन बनाए और भारत की 2 विकेट से रोमांचक जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच में श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया है। बॉलीवुड के स्टार कपल्स में से एक विकी कौशल और कटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सेंटा क्रूज थाने में FIR दर्ज कर ली है। बता दें कि दोनों पिछले साल 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे हैं। हालांकि दोनों ने इस मामले को लेकर पब्लिक में कोई टिप्पणी नहीं की है। बिहार में इन दिनों युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार उद्योग लगाने पर जोर दे रही है। बरौनी में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट लगाने के बाद अब बेगूसराय को इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के शीर्ष राजनेता संसद भवन में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि वो अपनी राय हमेशा खुलकर रखते हैं। नितिन गडकरी रविवार को महाराष्ट्र को नागपुर में एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कई बातें कही। भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो केंद्र सरकार की नीतियों फैसलों को लेकर आए दिन अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आज हर सशक्त राष्ट्र की बुनियाद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। शिक्षा और शोध बजट को वरीयता न देने की वजह से पहले ही देश का बेस्ट टैलेंट हमसे दूर जा रहा है और अब उनकी वापसी पर उम्र की सीमा तय कर रहे हैं। आज का दिन विज्ञान की बड़ी उपलब्धि के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 25 जुलाई 1978 में ही दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया था। ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इंग्लैंड के शहर ओल्डहैम में दुनिया की पहली IVF शिशु लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। सरकारी अस्पताल में आधी रात को जन्मे इस बेबी का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 तक आय दोगुनी करनी थी, लेकिन यातना दोगुनी कर दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पीएम किसान उत्पीड़न योजना शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं, सही MSP का झूठा वादा, फसल बीमा के नाम पर इंश्योरेंस कंपनियों को 44,000 करोड़ का फायदा, यही हुआ है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता द्वारा शेयर किए गए पीएम मोदी के एक वीडियो क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत बताते हुए खारिज कर दिया। दरअसल संजय सिंह ने जो वीडियो शेयर की है उसमें दिखाया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने विदाई समारोह के दौरान सभी संसद सदस्यों का अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं तो पीएम उनकी तरफ ना देखकर कैमरे की तरफ देखने लगते हैं। आप नेता संजय सिंह ने इसे राष्ट्रपति कोविंद का अपमान बताया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम 2022 घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने 22 जुलाई 2022 को कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम ऑनलाइन पोर्टल पर cbseresults.nic.in पर जारी किए थे, जिसके बाद ही अब छात्रों से अपील की गई है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू करें। रविवार यानी 24 जुलाई को देश भर में इनकम टैक्स डे मनाया गया। इस दौरान साउथ फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत को एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। चेन्नई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थलाइवा को रेगुलर टैक्स भरने के लिए सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण लेने से इनकार कर दिया है। ये विशेष सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया जाता है। सेन के इस फैसले को लेकर उनकी बेटी अंतरा देव सेन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमर्त्य सेन फिलहाल भारत में नहीं है। अप्रैल और मई 2022 के दौरान रूस से भारत का आयात लगभग 4 गुना बढ़कर $5 अरब को पार हो गया है। पूर्वी यूरोप में भू राजनैतिक संकट के मद्देनजर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कच्चे तेल की मांग सबसे ज्यादा रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि नई वर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पिछले दिनों विधानसभा के एक कार्यक्रम में मंच पर जो बातचीत हुई, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर चर्चा हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को वजन कम करने की सलाह दी। इसके बाद तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। तेजस्वी पुराने क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो मैदान से दूर हो गए। पिछले कुछ समय से एक बार फिर से LAC पर चीनी हिमाकत के बढ़ते सिलसिले को देखते हुए देश की सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चीन की सीमा पर सक्रिय करने पर योजना पर लगातार काम हो रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। संसद में पेश किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि इन लोगों ने निजी वजहों से नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा 78,284 लोगों ने अमेरिकी नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता छोड़ी है। इसके बाद 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और 21,597 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव ठाकरे पार्टी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उसमें भी असफल होते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता और विधानसभा में उपनेता अर्जुन खोतकर ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। जुलाना जिले में अर्जुन खोतकर का अच्छा प्रभाव माना जाता है। एकनाथ शिंदे से खोतकर की मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहेब दानवे भी मौजूद थे। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के बीच की दोस्ती का कॉफी विद करण साथ में सब देख चुके हैं। रिसेंटली डार्लिंग्स के ट्रेलर लॉन्च पर आलिया भट्ट ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। इवेंट के दौरान जब आलिया से रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने रणवीर को अपना फेवरेट बताया। उन्होंने कहा कि वो रणवीर सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। आलिया ने कहा कि हम सबको रणवीर को सिर्फ प्यार ही देना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को एक सीट वाला छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें सवार महिला पायलट घायल हो गई। महाराष्ट्र के बारामती हवाई अड्डे से आज सुबह इस विमान ने उड़ान भरी थी और कुछ समय बाद इंदापुर तालुका के कदनबाड़ी के पास विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महिला पायलट हादसे में सुरक्षित है, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनकी याचिका पर आम्रपाली समूह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के चलते सोमवार सुबह पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला के साथ लगते सेरी नाला में बादल फट गया, जिसके चलते व्यास नदी में बाढ़ आ गई है। वहीं व्यास नदी में बाढ़ आने के चलते और पलचान और मनाली के बीच नदी किनारे बने कुछ खोखो रेस्टोरों सहित वाहनों को भी नुकसान हुआ है। व्यास नदी का जल स्तर बढ़ने से सोलंग गाँव के लिए बनाया गया लकड़ी का पुल भी बह गया है। जम्मू स्थित आधार शिविर से 3800 से अधिक तीर्थयात्रियों का 25वां जत्था दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए सोमवार को पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को 125 वाहनों के काफिले में कुल 3862 तीर्थयात्रियां भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, जितेंद्र कुमार, पंडित दीपक कुमार, अमित कुमार पासवान, विकास कुमार, जयसवाल ऑफिशियल, विकास GS स्टडी सेंटर, मोहम्मद सिकंदर आजम, जवाहर सिंह, बिट्टू कुमार राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।